मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बचपन से शौक था, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ का टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि घर आके मुझे अपनी मदर की हेल्प भी करनी होती थी, तो मैं कर नहीं पाती थी बेसिकली। लेकिन फिर जब लॉकडाउन लगा तो मेरे पास टाइम था काफ़ी ज़्यादा, और मेरी मॉम स्टिचिंग भी करती हैं, तो वो जो स्टिचिंग करने के बाद जो कट पीसेज होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब उनको वो कूड़े में फेंक देते थे। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे ये मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ। अब मैं यूटिलाइज़ कैसे करूँ, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया आया कि मैंने इसको इस सुंदर सी डॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो छोटा सा बचा हुआ कपड़ा था, इसकी मैंने ये ब्राइड एंड ग्रूम बना दिया, जिसको हम एज अ वेडिंग गिफ्ट या वेडिंग कार्ड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर कोई हम सिंपल इस पर मैं अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। तो ये मैंने इसको एक सुंदर डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट कर दिया। फिर मेरे पास कुछ बियर बॉटल्स थी जो वेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि इसका भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने उस पर ये डिज़ाइनिंग की और ये वेस्ट बियर बॉटल को मैंने फ्लावर वास में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह से मैं घर में कुछ मलवा था कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद, वो जो बचा हुआ मलवा था मैंने उससे ये पेंटिंग बनाई। इसको मैंने कलर मिक्स करके इसको पेंटिंग में कन्वर्ट कर दिया। मैं जो पेंटिंग्स बनाती हूँ तो वो जो कलर है इस कांच की शीशी में आता है। ये कांच की शीशी जो कलर ख़त्म होने के बाद वेस्ट हो जाती थी, तो ये बहुत सारी शीशियाँ मैंने इकट्ठी तो कर ली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इनका क्या करूँ। तो मैंने इनका ये बॉटल को मैंने कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। ये सुंदर सी ट्रांसपेरेंट कैंडल बनाई है मैंने इस कांच की शीशी से। इसी तरह मैं वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके जब कुछ भी प्रोडक्ट अपना बनाती हूँ तो वो मेरा सेल भी हो जाता है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अपने इस काम के द्वारा जो मेरा छोटा सा एक बिजनेस बन गया है, उसके द्वारा मैं जो मेरे शहर में चंडीगढ़ में स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें मेरा भी एक छोटा सा योगदान है कि जो वेस्ट चीज़ें हैं मैं उसको वेस्ट ना करके उसको डेकोरेटिव आइटम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। थैंक यू।